जौहर की ज्वाला है, बहुत कुछ जलेगा। अगर रोक सको तो पद्मावती को रोको। मैं नहीं चाहता, देश हमारा है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी से अनुरोध करूंगा, देश के गृहमंत्री बोल चुके, 8-8 कैबिनेट मिनिस्टर बोल चुके, भिन्न भिन्न राज्यों के साथ साथ मुख्यमंत्री बोल चुके, मैं अनुरोध करूंगा प्रधानमंत्री जी से, बंद करवाइए इस तमाशे। आज पूरे 16 महीने हो गए हमें सड़कों पर चलते, किस चीज के लिए? आप पहले स्पष्ट तो करो कि क्या दिखाने जा रहे हो। जो ये अफवाहें हैं कि पद्मावती अलाउद्दीन खलजी की प्रेमिका, क्या सपना ये नहीं आया कि पद्मावती भाला लेकर उसकी छाती पर चढ़ गई? ना, ये नहीं आया, प्रेमिका का आया। चलो आया, कहीं इतिहास में वर्णन है कि पद्मावती तो थी नहीं। ये एक दुर्भाग्यशाली विषय है चर्चा के लिए, और मैंने सारे चैनल को मना किया कि अगर ये चर्चा पर मुझे बुलाया जा रहा है तो ये देख लेना, 6'4" का, 118 किलो का हूं, अगर जीवित हूं तो मैं रानी पद्मावती की 37वीं पीढ़ी। अगर मैं नहीं दिख रहा हूं तो फिर मैं कितनी भी बकवास कर लूं उसका कोई अर्थ नहीं होगा। इसलिए पहले तय कर लीजिए पद्मावती थी या नहीं थी। तो फिर ये पद्मावती का महल क्यों है? जौहर मेला हर साल भरता है और 50-50 किलोमीटर तक स्त्रियां सिंदूर लगाती हैं उस स्थल का। देश की राष्ट्रपति गई थी प्रतिभा पाटिल, देश के प्रधानमंत्री गए थे श्रद्धांजलि देने वाजपेयी जी, देश के प्रधानमंत्री गए थे चंद्रशेखर जी। अब ये कविता है पद्मनी के जौहर की ज्वाला वाजपेयी जी के मुख से, सुनिए आप सब क्या कहते हैं वाजपेयी जी कि इस देश के मान सम्मान और स्वाभिमान के लिए मर मिटने वाले लोगों को मैं नमन करता हूं। आज सिर कटाने की नहीं, गिनाने की जरूरत है। और इसी कड़ी में 25 तारीख को गुड़गांवा उसी सती मां के मंदिर में मैं आह्वान करता हूं, जो पास पड़ोस के जिले हैं सभी सामाजिक संगठन वहां एकत्रित हों। सिर कटाए थे, अब सिर गिनाए से तय होगा। ये तस्वीर बहुत को तय कर गई, इसने तय कर दिया भविष्य कि पद्मावती नहीं चलेगी। लोग कहते हैं अच्छा नेतागिरी कर रहे हैं, हाँ बिल्कुल, गुजरात गया था अभी, आई के जाडेजा बीजेपी के स्पोक्समैन है, शक्ति सिंह गोयल कांग्रेस के लीडर ऑफ, कांग्रेस की तरफ से लीडर ऑफ ऑपोजिशन है, शंकर सिंह वाघेला एक नया विकल्प पैदा करने की कोशिश में, सभी ने तो कहा बंद करो, जिसको जहां देना है वोट, कोई दिक्कत नहीं है, कांग्रेस को दो, बीजेपी को दो, जनता दल को दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कोई कुत्ता दल, भैंस दल, कोई दल दल, जहां जाना है वहां जाया जाए, पर ऐतिहासिक तथ्यों पर इस तरह से तोड़ मरोड़ नहीं करने देंगे। अब ये मैं नहीं, देश बोल रहा है, देश की हर सामाजिक संगठन बोल रहा है, और इसी चीज के लिए अभी नागपुर शाम को त्रिवेंद्रम, कल हैदराबाद, अभी पटना से आया हूं, भुवनेश्वर से आया हूं, परसों के दिन लखनऊ था। योगी जी ने चिंता व्यक्त करी, चुनाव का समय है, म्यूनिसिपल इलेक्शन 30 तारीख को खत्म हो रहे हैं, 1 तारीख को पिक्चर, 2 तारीख को 12 वफा, 3 तारीख को काउंटिंग, रोक सको तो रोको। मैं भी कह रहा हूं कोयला हाथ में ले लीजिए, अगर किसी में जलता हुआ कोयला, यहां तो 16,000 स्त्रियां मर मिटी, अलाउद्दीन जैसा आता था ही हाथ लगाना तो दूर, देख तक न सके, इसीलिए तो मर मिटी। और उनको अब इस तरह से देखने का कोई कारण अगर बनता है,
बहुत दुर्भाग्यशाली होगा इस देश के लिए। जब जोधा अकबर थी तब उस समय गुजरात में मुख्यमंत्री थे मोदी जी, हमारे सहयोग में बंद कर दी। मायावती थी उत्तर प्रदेश में, शिवराज सिंह जी चौहान आज भी हैं, सब ने उस फिल्म को बंद कर दिया। दो दिन बाद सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दे दिया, फिल्म लगी। नोटिस हमारे पास भी आया। फिल्म कैसे रोक सकते हैं आप? मेरे पास पिक्चर हॉल नहीं है, इसलिए मैं तो मेरे घर पे लगाने से रहा। हॉल वाले ने मना कर दिया है, डिस्ट्रीब्यूटर्स ने मना कर दिया है। अभी पत्रकार बंधु आपसे बहुत घबराते हैं, ये पत्रकार बंधु बैठे आप घबरा रहे हैं, क्या बात है जिसमें मैं मेरे से कोई घबराने वाली स्थिति पैदा होती है? ये जनता की दरबार है, इस आक्रोश को समझो, मत मुंह में डाल के, मत मुंह में अंगली डालकर दांत गिनने की कोशिश मत करो, हमारे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है। पीयूष जी, आपने फिल्म देखी है? देखने की जरूरत है? नहीं, आपको आप ही कह रहे हैं अफवाह पे सारी बातें हैं, आपने भारत बंद का आह्वान कर दिया है, आपने क्या फिल्म देखी है? जरूरत नहीं है। तो फिर आप क्यों भारत बंद का आह्वान कर? इसलिए कि हमें पूरा विश्वास है कि ये इस तरह की दाल में कुछ काला है, और अब तो मैं कहता हूँ दाल ही काली है। आपने खुद कहा कि अफवाह ऐसा है, क्या करनी सेना इतनी कमजोर हो गई कि अफवाह पे सारा काम करेगी? नहीं, हमने इस बंसाली से तब पूछा था कि ये रणवीर सिंह के स्टेटमेंट पर जरा बता दो भाई, फिर पूछा। अब तो राजस्थान के सारे राजघराने जो जितना 2.5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट का ट्रेलर है उसके 80% हिस्से पर क्लियर कर चुके हैं कि ऐसा कोई सीक्वेंस है ही नहीं उसके अंदर। बंसाली तक, बंसाली की बात पर आप विश्वास कर रहे हैं जो हरदम सर उन्होंने फिल्म बनाई है, इसलिए उनकी बात विश्वास कर रहे हैं। आप अफवाहों पर सारी काम कर रहे हैं, आप कानून को अपने हाथ में ले रहे हैं अफवाहों पर से। ये लिख के दिया है उसने, लिख के दिया है, मैं अफवाह नहीं फैला रहा हूँ। संजय लीला बंसाली ने क्या लिखा है? कि हम कोई ड्रीम सीक्वेंस अगर थी तो अब आगे से नहीं करेंगे। अगर वो नहीं, हम, भी नहीं है उसके अंदर तो फिर आप अफवाह के ऊपर नहीं, अफवाह के ऊपर नहीं, उसने अरे उसने कहा है, उसने लिख के दिया है कि हम कोई प्रमो ट्रेलर और फिल्म लगाने की व्यवस्था श्री राजपूत कर्णी सेना को विश्वास में लेकर दिखाकर करेंगे। अभी तक तो ये अफवाहें हैं। जो पब्लिक टीवी ने कल मूवी देखी है जी जी, और हमने कुछ भी ऐसा नहीं पाया जो आप लोग बता रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, हमने वो मूवी ऐसी है जो कि राजपूत को, जितने भी राजपूत समाज है हिंदुस्तान के अंदर, उनको गर्व करने के ऊपर है वो मूवी जी जी। क्या अब आप लोग जो आप बंद भारत बंद के आह्वान की बात कर रहे हैं या कानून हाथ लेने की बात कर रहे हैं, क्या आप इसको रोक लगाएंगे? क्योंकि देखिए, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए आप सेंसर बोर्ड नहीं है ना, हम हैं। हमारा ऐतराज है सेंसर बोर्ड में लगा हुआ है, हमारा ऐतराज सूचना और प्रसारण मंत्रालय में लगा हुआ है। अगर हमारी बात को सुनना चाहेगा तो जो ये कहानी चलती रहती है ना कि आप क्या सुपर सेंसर हैं, नहीं, हम जनता के दरबार में हैं। नहीं, उनके पास फिल्म होगी, जो फिल्म कल दिखाई गई है वो सेंसर बोर्ड द्वारा पास नहीं है, और वो सेंसर बोर्ड से जो पास नहीं है उस फिल्म पर हम विश्वास नहीं करते। जी, सीधा सवाल, आपकी परेशानी क्या है? रानी पद्मावती पर फिल्म बनी है या रानी पद्मावती पर जो फिल्म बनी है उसके बारे में लोग ट्रेलर के आने से पहले से जो कयास लगा रहे हैं, जनवरी से ये पूरा मामला चल रहा है, वो तो हमें है। क्या दिक्कत क्या है? रानी पद्मावती पर कहानी नहीं बननी चाहिए? बननी चाहिए, रानी पद्मावती नहीं, बाहुबली एक फिल्म आई थी, क्षत्रियों का अंश दिखाया था और लाखों करोड़ों कमाए थे, हमको तो ऐतराज नहीं था क्योंकि इतिहास से संबंधित नहीं थी। उसमें राजपूती कुल 20% या राजपूती का जो 25% या 40% हिस्सा था, पर उसके बाद भी फिल्म ने दुनिया में रिकॉर्ड बना दिए। अच्छा दिखाओ, अच्छा कमाओ, गलत दिखाओ हम नहीं चलने देंगे। जब तक आप फिल्म देखेंगे नहीं तो कैसे मानेंगे कि अच्छा या गलत दिखाया जा रहा है?
भाई आज बहुत स्पष्टीकरण आ रहे हैं, अभी कह रहे हैं कि हमने देखी है। कल फिल्म काफी लोगों को दिखाई गई है, राजस्थान के कई राजपूत परिवारों को भी दिखाई गई। नहीं दिखाई गई, सब बकवास है ये, सब गलत है। और एक स्टेटमेंट और राजस्थान के राजपूत परिवारों से ये आ रहा है कि अगर हम ऐसे लोगों की विश्वास करें जिन्होंने फिल्म देखी है, अगर हमारे लिए ऐसे इस फिल्म का स्क्रीनिंग किया जाएगा हम देखेंगे और उसके बाद आगे की कार्रवाई करेंगे। आप तो फिल्म देखने को भी तैयार नहीं, आप मन बना बैठे। हाँ देखिए, अब देखे कब, देखने का तरीका क्या है? पहली बात तो फिल्म हम वो देखेंगे जो सेंसर बोर्ड में हमारे ऑब्जेक्शन सुनने के बाद पास हुई हो, चाहे वो सेंसर बोर्ड हमारे ऑब्जेक्शन सुने या नहीं सुने। भाई सेंसर बोर्ड ही तो कहानी है जो रोज सारे के सारे चैनल वाले गाते रहते हैं। हम कहां कह रहे हैं कि सेंसर बोर्ड पर हमें, सेंसर बोर्ड के पास अधिकार नहीं है ऐतिहासिक तथ्यों पर विश्लेषण का। सेंसर बोर्ड ये कर सकता है कितनी बंदूक चल रही है, कितनी नग्नता परोसी जा रही है, मैं आपके खिलाफ कोई शब्द का गलत तरीके से उपयोग ले रहा हूं, कोई जाति सूचक शब्द दे रहा है या नहीं, इन पर विश्लेषण कर सकता है। राजनीतिक ऐतिहासिक उन बिंदुओं पर विश्लेषण नहीं कर सकता। इसलिए हमने जो हमारी एक मांग थी, जो एक हमारी मांग थी इस काम के लिए, एक प्री सेंसर बोर्ड, कि जब ये खड़बड़ शुरू हो तब ऐसा कोई सेंसर बोर्ड बने जिसमें दो पत्रकार हों, दो इतिहासकार हों और एक जज हो, जो ये इस तरह की इतिहास पर बनने वाली फिल्मों पर पहले ही जी। आपको सेंसर बोर्ड पर विश्वास नहीं? क्यों, कह रहा हूं ना मैं तो है, है, है। तो आप एक बार सेंसर बोर्ड को उसे देख लेने दीजिए, उसके बाद हमारा विरोध तब उनसे था जो लोग ये कहानी गढ़कर ले आए। मुझे इस बात पर एतराज है कि दीपिका किस हैसियत से फिल्म लग के रहेगी, कौन है कोई छी, एक पैसे पर नाचने वाली स्त्री तो है, हम वो नहीं है। आपका सवाल तथ्यों पर नहीं, नाक का सवाल होगा। देखिए अब अगर नाक का सवाल ही नहीं हो तो फिर किसका सवाल हो? नाक का सवाल ही अगर नहीं हो, पत्रकारों को पूछ। सर अगर सेंसर बोर्ड आपको दिखाता है तो आप देखोगे? सेंसर बोर्ड हमें नहीं दिखा सकता, दिखा सकता है तो बंसाली। सर अगर बंसाली जी दिखाना चाहे तो आप देखना चाहिए पिक्चर की स्क्रीनिंग के लिए, तो क्या देखेंगे? देखिए अब कब समय है, आज अगर 1 तारीख को फिल्म लग जाएगी, जो ये बात चलती रहती है, पहले देख लीजिए, पहले देखने के बाद फिर क्या कर लेंगे? अभी तो सुनने में आया सेंसर बोर्ड ने फिल्म वापस कर दी। देखिए ये सुनी सुनाई बातें हैं, इन पर मैं विश्वास नहीं करता। मैं 1 तारीख को भारत बंद का आह्वान कर रहा हूं, मैं 25 तारीख को गुड़गावा में बोनसी में एक बड़ा कार्यक्रम करने का आह्वान कर रहा हूं, 26 को हम पटना में होंगे, 27 को लखनऊ में और 28 को भोपाल में। क्या कोई इस तरह की व्यवस्था कर सकता है? हम हैं, ये हम नहीं है, राजपूत या लोकेंद्र सिंह कालवी या करणी सेना नहीं है, ये समाज की आवाज है। हम जनता के दरबार में हैं, हम जनता की अदालत में हैं, वहीं से हम फैसला लेना चाहते हैं। हम प्रधानमंत्री से अनुरोध करते हैं हस्तक्षेप करें, इसको बंद करें, ये 1 तारीख इसी स्थिति में नहीं आनी चाहिए। ठीक है सर।